आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम शहर में 23 से 29 अप्रैल तक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक शिव भक्ति की गंगा प्रवाहित होगी। आयोजन में पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री मुख से शिव महापुराण कथा का पारायण करवाया जाएगा। कथा समिति द्वारा कथा स्थल कनेरी रोड हरथली फंटा में भव्य तैयारियां की गई। पानी, बिजली, सुरक्षा, पार्किंग और गर्मी को देखते हुए अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कथा आयोजक रविंद्र पाटीदार और समिति सदस्यों ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर स्थानीय मीडिया को कथा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया। ये कथा कराने का केवल एक ही उद्देश्य, वो है मेरे छोटे भाई की स्मृति में। 4 साल पहले 2018 में रतलाम में उसकी डेथ हो गई थी हृदयाघात के कारण, तो पर उसी की याद में ये कार्यक्रम करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 2020 में गुरुदेव के सानिध्य में आया और जनवरी 2021 में मैंने कथा के लिए उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे 2 साल बाद ये अभी की तारीख अपने को प्रोवाइड कर दी। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे गुरुदेव की कथा चलती रही ऑनलाइन के माध्यम से, अलग अलग शहर के माध्यम से चलती रही, वैसे वैसे लोग गुरुदेव के भक्त भी बढ़ते गए, उनका क्रेज भी बढ़ता गया और आज की तारीख में आज गुरुदेव एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन गए। हर व्यक्ति उनको नाम से भी जानता है, सूरज से भी जानता है, सब तरह से। अब ये जो आयोजन हम करा रहे हैं, ये आयोजन मेरे और मेरी समिति के जो लोग हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ पर आम पब्लिक भी है, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। इस कार्यक्रम को लगभग अभी अपन तैयारियों में, अभी आज शाम तक अपनी तैयारियाँ पूर्ण हो जाएगी या ज़्यादा कल सुबह तक। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से केवल ये निवेदन है साहब कि ये जो प्रोग्राम है ये एक जनमानस के लिए किया जा रहा है, अपने सनातन धर्म के लिए किया जा रहा है। जितना ज़्यादा अपन इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर सके, मेरी आपसे अपेक्षा है कि आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक सही जानकारी आम जनता तक पहुँचे, कोई भी गलत चीज़ ना पहुँचे या गलत मैसेज ना पहुँचे जिसका अर्थ का अनर्थ निकले। कुल मिला के आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सही जानकारी आप लें और सही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएं। धर्मस्य नगरी रत्नपुरी की पावन धरा पर धार्मिक आस्था स्थलों के प्रति जनमानस प्रेरित होकर धर्म के मर्म को समझ रहा है। इसी श्रृंखला में डोंगरे नगर बागीचे में नवनिर्मित शिवालय में गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्री कुंदकेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धर्म ध्वज लहराते हुए बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं और बालिका सिर पर कलश लेकर चल रही थी। बग्घी में शिवलिंग और शिव परिवार की प्रतिमाएं रखी हुई थी। कलश यात्रा में क्षेत्रीय रहवासी शरीक हुए। त्रियालीस डिग्री तापमान में सुलगे शहर के बाशिंदों को गुरुवार सुबह गर्मी से कुछ राहत मिली। गर्मी का तापमान सुबह 12 बजे तक 33 डिग्री पर रहा। गर्मी का मिजाज बदलते मौसम ने ठंडा कर दिया। आसमान पर बादल छाए रहे हैं, रुक रुक कर मावठे की बूंदाबांदी होती रही। गुरुवार को तपन भरी गर्मी से मुक्ति जरूर मिली, लेकिन ये सुकून अब भड़ास वाली गर्मी में तब्दील हो जाएगी। तब हर एक के मुंह से एक ही शब्द होगा, उफ ये गर्मी। दोपहर 2 बजे बाद फिर मौसम का मिजाज बदला और तेजी की धूप निकल आई, लेकिन धूप में नमी रही। मौसम का हर पल रंग बदलने का खेल चलता रहा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नगर अध्यक्ष कमल भाटी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों की मांगों को लेकर चल रहे
तृतीय चरण के आंदोलन में 18 सूत्री मांगों को लेकर नगर विधायक चेतन कश्यप, कलेक्टर तथा आयुक्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम 18 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष मालिनी जंगलाल झंझोट के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में रतलाम शाखा ने भी अपना ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापित किया। इस अवसर पर सफाई कर्मचारी नेता एवं यूनियन पदाधिकारी उपस्थित रहे। रतलाम की 18 सूत्री मांगों को ज्ञापन माननीय महोदय उपस्थित में आलेख की मंत्री सफाई कर्मचारी कामगार और सफाई मित्रों की 18 सूत्री मांगों को लेकर जी के नेतृत्व में दिनांक 11 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक मजदूर दिवस एवं आगे तक 6 चरणों में मांगे स्वीकृत होने तक आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तृतीय चरण में मध्य प्रदेश समाज सफाई कामगारों के 18 सूत्री मांगे अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस रतलाम नगर के समाज सफाई संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन का समर्थन करते हुए 18 सूत्री मांगे निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश सफाई कामगारों की 2005 से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा लागू किया गया है। मध्य प्रदेश समाज सफाई नगर पालिका निगम अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग सफाई ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी भर्ती कराई जाए। अपनी बीमारी की दवा लेने गई 18 वर्षीय विवाहिता ने गलती से कपास में रखने की जहरीली गोलियों का सेवन कर लिया। पिपलोदा थाना ग्राम के भवरिया की नाल निवासी ईतू पति संजय घड़िया को तत्काल पिपलोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। विवाहिता ईतू की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मामले की जानकारी देते हुए पिपलोदा थाना ASI सीताराम केशव ने बताया, पति संजय घड़िया भवरिया की नाल की रहने वाली है, जो बीमार थी और गलती से उसने दवाई जो मेडिसिन लेना था, गोलियां लेना थी, उसकी जगह ही कपास की गोलियां खाने से दवाई पी ली। उस वजह से 5-6 दिन से इलाज चल रहा था, उसका दौरान इलाज के जिला अस्पताल रतलाम में मृत्यु हो गई, जिसका PM कराया जा रहा है, आगे की जांच जारी है। इस मामले में पति संजय ने बताया, संजय कहाँ रहते हो? हमारे नाम किसने ढेर खाया, क्या नाम है उनका? आपकी क्या लगती है पत्नी? क्या कारण कुछ आलम आपको क्यों खाया? तो इलाज करवा के आए, 2 डबिया पड़ी थी तो गलती से दूसरी डब्बी ले ली। काई का इलाज चल रहा था, सर्दी खांसी का, मेडिकल से दवाई लाई। शहर की मासूम बेटी ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया। गीतकोर बग्घा ने नेशनल लेवल पर रतलाम का नाम रोशन किया है। गीत का सिलेक्शन कलर्स के शो डांस दीवाने जूनियर पर हुआ। ये शो 23 अप्रैल को प्रसारित होगा। गीत अभी 7 साल की ही है और इससे पहले भी गीत ने बहुत बार रतलाम का नाम रोशन किया है। फिल्मी दुनिया के बहुत से सेलिब्रिटीज ने गीत के डांस को सराहा और उसे शेयर भी किया। गीत अभी 5 महीने से डांस की ट्रेनिंग मुंबई से ले रही थी। वहाँ भी गीत ने नोरा फतेही के गाने पर डांस किया, जो नोरा मैम को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पर इसे शेयर किया और खूब तारीफ भी की। और गीत के वीडियोस को 40 लाख लोगों ने पसंद किया। और कलर शो के जजेस भी नोरा फतेही, नीतू कपूर और मर्जी सर हैं। और पहली बार जब मैंने उनको देखा था इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसका वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पेज पे डाला, आई सेड कि ये स्टार है, शी इज गोना गो सो फार। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि वो शो पे आई है, एंड शी हैज सो मच टू शो, एंड शी विल डेफिनेटली शो यू व्हाट हार्डकोर डांसिंग की नीड इज। क्या बात है, आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि गीत हमारी वो लड़की कितने नया स्यापा बन गए मानो। तो गीत आई पहले से और गीत ने बोला कि नौरा मैं आपके साथ ना वो डांस मेरी रानी पे डांस करना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली नौरा बीइंग अ स्वीटहार्ट उसने उन्होंने कहा उनके साथ चलिए ठीक है मैं करती हूँ। तो उसके बाद हुआ क्या कि ज़्यादा नहीं 1 करोड़ 50 लाख 55
सो जितने भी उसके बाद कंटेस्टेंट्स के पापा लोग, कंटेस्टेंट्स की मम्मी लोग, मासी लोग, सब ने यही रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि यहाँ पर भी ये होने वाला है, एंड मैं आफ्टर ऑल यू नो कलर्स के साथ हूँ, हम बहुत गिविंग है, तो हमने इसकी भी पूरी पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो गीत नौरा और मीडिया पे से मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, विशाखा जी, हरी जी एंड नैना जी, चलिए स्टेज पर हम नौरा के साथ डांस मेरी गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं। रतलाम पब्लिक स्कूल में नए सत्र से बच्चों को 3D विजुअलाइजेशन लर्निंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI तथा ऑगमेंटेड रियलिटी AR एनिमेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। जिन एलिमेंट्स को पहले किताबों और टेलीविजन में दिखाकर ही बच्चों को समझाया जाता था, अब वे RPS की क्लासरूम में बच्चों के बीच चलते फिरते देखे और महसूस किए जा सकते हैं। रतलाम पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संयोगिता संघ के मुताबिक, बेहतर एजुकेशन के लिए शुरू हुई ये नई सुविधा खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनके मन में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। जंगल कैसा होता है, कौन सा जानवर कैसा दिखता है, इन्हीं सवालों के जवाब दिलचस्प तरीके से देने के लिए स्कूल द्वारा एनिमेशन पर आधारित इन डिवाइसेस का नया प्रयोग शुरू किया गया। ये उपकरण पहली से बारहवीं कक्षा के लिए पाठ्य चर्चा आधारित 3D विजुअल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें छात्रों की समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच, कौशल विकसित करने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई गतिविधियां हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।